दोस्तों गुड मॉर्निंग, और जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि पहाड़ पे हमेशा गाड़ी आराम से चलाएं, पर कुछ लोग नहीं मानते। तो मेरे ही सामने अभी एक एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि कार सीधे नीचे जाके गिरी। वो तो शुक्र मनाओ कि कार में एयरबैग थे और ये पेड़ से अट के टकरा गई। यदि यहाँ पेड़ नहीं होता तो ये आप सोचो कहाँ नीचे खाई में आती है 1000 फीट। हाय फ्रेंड्स, तो ये रास्ता जाता है वापस नरकंडा शिमला चंडीगढ़ 331, और ये रास्ता जाता है चितकुल। चितकुल आखिरी गांव है यहाँ से, फिर तिब्बत और चीन का बॉर्डर लग जाता है। और ये रास्ता जाता है पूहू होते हुए काजा, काजा से अटल टनल होते हुए मनाली या फिर लेह लद्दाख जा सकते हैं आप। और ये बेहतरीन सतलुज नदी पर स्थित है कच्चाम धाम डैम। भगवान विष्णु जी को समर्पित यह मंदिर, भगवान बद्रीनाथ जी का ही एक रूप है ये मंदिर। तो पंच कैलाश में से एक किन्नौर कैलाश भी हिमाचल में मौजूद है, और इसकी यात्रा भी यहीं से सांगला गांव से स्टार्ट होती है। और ये कच्चा जो ट्रैक है ये सीधे कैलाश की ओर जा रहा है, परंतु इस बार भी यात्रा कोरोना की वजह से नहीं स्टार्ट नहीं हुई है। और वहां उन बादलों के कई किलोमीटर पीछे पैदल पैदल कठिन यात्रा करते हुए यात्री किन्नौर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं, और हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमने भी सोचा था कि हम भी किन्नौर कैलाश की यात्रा करेंगे, पर इस बार कोरोना की वजह से यह यात्रा स्थगित की गई है। यहाँ चितकुल 11,320 फीट की हाइट पर, वो काफ़ी सुंदर एक विलेज है, एक आखिरी गांव देश का। उसके बाद फिर चीन और तिब्बत की सीमा लग जाती है। काफ़ी अच्छा मौसम है और बेहतरीन व्यू है यहाँ का चितकुल, भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे। और इसके आगे जाने नहीं दिया जाता क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, और हम इस समय चितकुल के भी काफ़ी आगे आ गए हैं। और यहीं पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फर्स्ट लाइन डिफेंस, मतलब कि आर्मी रहती है, सुरक्षा करती है। और चितकुल के भी काफ़ी आगे, काफ़ी अच्छा मौसम है, चितकुल भी काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप भी आइए।
चितकुल में भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध मंदिर है और हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। तो अब हम दर्शन करेंगे भगवान बुद्ध जी के मंदिर चितकुल। तो ये देखिए, पहले तो काफ़ी सुंदर पेंटिंग और इसके अंदर है भगवान बुद्ध जी का मंदिर। तो हमने यहाँ दर्शन किए भगवान बुद्ध जी का मंदिर चितकुल में, बहुत ऊंचाई पर है और यहीं साथ में है कुछ लेडीज व्यक्ति, इन्होंने हमें चाय ऑफर करी। जी हाँ, ये देखिए, इन्होंने हमें चाय ऑफर करी। अब सोचो, ऐसे अनजान लोगों को तो कोई बात तक भी नहीं करता, वो भी ऐसे कोरोना के टाइम पर इन्होंने हमें चाय ऑफर करी, इसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। चाय के लिए धन्यवाद। तो हम जहाँ मौजूद है चितकुल में भारत के आखिरी ढाबे पे, और यहाँ हम राजमा चावल खाएंगे क्योंकि सुबेरे से हमने कुछ नहीं खाया। काफ़ी अच्छा है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा है। तो हमने राजमा चावल मंगाया और घी डला हुआ है और टेस्ट वाकई में अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो यहाँ हमने चितकुल में भारत के आखिरी ढाबे पे भोजन किया। भोजन वाकई बहुत स्वादिष्ट था और वाजिब दामों में था। अंकल जी, आप कुछ बताएं, आप यहाँ कब से दुकान है? मैं तो पैदा से यहाँ हूँ। तो यहीं से है और वाकई में खाना भोजन बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है और अभी हम कुछ घंटे पहले आए थे तब तो हालात सब कुछ सामान्य थे, पर पहाड़ों पे कब क्या हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। और हो सकता है बाइकर्स खड़े हैं, कुछ बाइकर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, भी खड़ी हैं, पर कार इस तरफ को मुँह करके खड़ी है। तो हमें रुकने का इशारा दिया गया है और जहाँ भी इशारा दें वहाँ प्लीज रुकी जाएं। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, वो ट्रक खड़ा है जो शायद आप देख पा रहे होंगे। तो ट्रक के आगे पत्थर डले हैं जो ऊपर से खिसक के यहाँ से नीचे आ गए। तो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आए यहाँ से, हमारे जैसे कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि कोई गाड़ी आए जो उसको धक्का दे के पत्थर को नीचे गिरा दे ताकि फिर हम भी यहाँ से निकल सकें। Thank you.
फ्रेंड्स, तो हमने पेट्रोल भरा लिया, इसमें टैंक फुल था, ठीक ठाक था, फिर भी 3.5 लीटर आ गया। वाह, और यहाँ पेट्रोल की कीमत है 100 रुपये 96 पैसे। और ये रिकॉन प्यू एक जगह है, काफ़ी ऊंचाई पर है, और अब हमें यहाँ से काजा जाना है। आज हम यहीं पे स्टे करेंगे, काजा जाना है, और काजा तक यहाँ पे कोई भी कई 100 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए हमने हमारी गाड़ी में पेट्रोल टैंक बिल्कुल फुल करा लिया। इसमें 14 लीटर आता है। अगर ग्राउंड पर मैदानी एरिया में चलाएँ तो ये एवरेज देती है तकरीबन 35, और 500 किलोमीटर चल जाती है एक बार टैंक फुल कर लो तो। पर चूंकि यहाँ पहाड़ी एरिया में लोड ज़्यादा खींचती है तो मुश्किल से एक टैंक फुल कराने में चलेगी 350 से 400 किलोमीटर। तो अब 350 से 400 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी नॉन स्टॉप चल सकती है।